नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मोहादा और आज हम बात करने वाले हैं नूर वन और नूर टू के बारे में है। पहले बताऊंगा कि दोनों जो है ये दोनों ही ईरानियन मिलिट्री सैटेलाइट है और इसको छोड़ा गया था क्वाजेत नामक एक रॉकेट से। पहले बता देता हूँ जो क्वाजेत जो है, क्वाजेत का अर्थ होता है मैसेंजर अर्थात खबरदार, खबरी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये तो नूर का मतलब भी एक चीज़ है, नूर का मतलब होता है कि लाइट अर्थात रोशनी, ठीक है ना। तो नूर टू को रिसेंटली छोड़ा गया अर्थात 8 मार्च 2022 को इसको छोड़ा गया सैटेलाइट, इस सैटेलाइट को छोड़ा गया ईरान से, सैटेलाइट से छोड़ा गया था। लेकिन बता देता हूँ कि जो ईरान से जो छोड़ा गया सिर्फ और सिर्फ अपने देश को ही प्रोटेक्ट रखने के लिए इसको छोड़ा गया, ठीक है। किसी और देश को नजर रखने के लिए बिल्कुल नहीं इसको छोड़ा गया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो नूर वन हम जानते हैं कि नूर वन को पहले ही छोड़ा गया था, तो आपका IGS CASF के मदद से, मतलब आपका इंडियन जो इस्लामी जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स ऑफ एयर स्पेस फोर्स है उसके मदद से ही नूर वन को पहले छोड़ा गया था अर्थात 22 अप्रैल 2020 को इसको छोड़ा गया था। जो जो अभी भी है, आपको पता है कि जो अर्थ के पास 425 किलोमीटर ऊपर में जो अर्थ का जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में इसको रखा गया है। ये भी थ्री स्टेज में डिवाइड किया गया है। अभी भी ये बहुत कुछ पता चला है, इस बहुत कुछ जानकारी ये दे रहा है ईरान को। उसी तरह नूर टू को भी छोड़ा गया 8 मार्च 2022 को छोड़ा गया इसको। और ये भी है जो क्या करता है कि बहुत सारा खबर है जो बाहर से आ रहा है स्पेस के बारे में, बहुत कुछ जानकारी ये भी है इकट्ठा करके ईरान को दे रहा है। उसी तरह इसको छोड़ा गया आपका इलेक्ट्रॉनिक जो मिलिट्री है उसके मदद से इसको छोड़ा गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करता ये है कि अगर बाहर की कुछ जानकारी इसको हासिल हो तो उसके बारे में रिसर्च और भी ज़्यादा ये कर सकता है इस सैटेलाइट के मदद से। और दोनों का सैटेलाइट जो है, एक खास बात ये है कि इन दोनों को ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के लिए बुलाया गया है कि मिलिट्री जो होता है उस सेनाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए, एकजुट करने के लिए एक्चुअली ये सैटेलाइट को बनाया गया है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।